रंग बिरंगी तितलियों और चहचहाती चिड़ियों से भरा माहौल किसे पसंद नहीं आता। कुछ देर के लिए हम सारी स्ट्रेस भूल जाते हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा माहौल अपने आसपास क्रिएट कर लें जो हमें स्ट्रेस फ्री रखे। आज हम कुछ ऐसे ही फ्लोरल प्लांट्स की बात करेंगे जो खुद में तो लाजवाब हैं ही, इन पर चिड़ियों और तितलियों का आना भी पक्का रहता है। कम मेहनत में ज़्यादा ग्रोथ देने वाले पौधों में एक है जेट्रोफा इंटेगेरिमा। इसकी कटिंग लगा सकते हैं हम और ये पूरे साल ब्लूम करते हैं। इन्हें प्रेग्रिना नाम से भी जानते हैं और ये यूफोरबियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं, बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स इनको आप इनके आसपास मंडराते हुए देख सकते हैं। यह है हेमेलिया पैटिन्स, रूबियेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसको कई नामों से जानते हैं, फायर बुश, हमिंग बर्ड बुश, स्कारलेट बुश, रेड हेड। क्रेन फ्लावर्स, क्रेन फ्लावर्स इसकी लुक कुछ ऐसी आती है कि बैठी हुई चिड़िया बस अब उड़ने को तैयार है और इस वजह से इसका नाम है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ये स्ट्रेलिट जीएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। इनके फ्लावर्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है और इनके अट्रैक्टिव कलर और नेक्टर की वजह से बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इनके आसपास मंडराते रहते हैं। यह है टिकोमा कैपेंसिस, बिग्नियोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको केप हनी सकल भी कहते हैं। पूरे साल ये ब्लूम करते हैं और ग्राउंड के साथ साथ आप इन्हें गमलों में भी प्लांट कर सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और हमिंग बर्ड्स की ये सबसे पसंदीदा फ्लावर्स होती हैं और देखने में ये कुछ ट्रम्पेट शेप की भी लगती है, इसको ट्रम्पेट फ्लावर्स भी कहते हैं। ये येलो कलर और सैफ्रॉन दोनों कलर में आपको मिल जाएंगी। कैलिस्टिमोन ये मार्टेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी ब्रश की तरह दिखने वाली लुक की वजह से इसका नाम है बॉटल ब्रश। तो क्यों ना हम सभी अपने लॉन, बालकनी और टेरिस में इन पौधों को ट्राई करें।